तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी, खबर दिन भर। चिकित्सकों और नर्सों की भारी लापरवाही से नवजात की पैदा होने से पहले ही हो गई मौत। सीएससी प्रभारी और संबंधित चिकित्सकों एवं नर्सों को तत्काल निलंबित करने की ग्रामीणों ने की मांग। खिजरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अनगड़ा प्रखंड सीएससी गोंदली पोखर के चिकित्सकों एवं नर्सों की लापरवाही के चलते एक नवजात की पैदा होने से पहले ही मौत हो गई, जबकि मां की हालत भी गंभीर बताई गई है। इसको लेकर आजसू नेताओं ने सीएससी में आकर हंगामा किया और लापरवाह चिकित्सकों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की। बताया गया कि रविवार की रात तिलैया जारा की एक महिला शांता देवी पति झबूलाल महतो महिला की प्रसव पीड़ा से रात भर अस्पताल में तड़पती रही। इस बीच इलाज के नाम पर एक नर्स मध्य रात्रि में आकर एक इंजेक्शन लगाकर चली गई और दोबारा लौटकर उसे देखने तक नहीं आई। परिजनों ने बताया कि इस बीच उसकी प्रसव पीड़ा और बढ़ गई और दर्द से वह कराहने लगी, तड़पने लगी, लेकिन न तो कोई चिकित्सक और न ही कोई नर्स या स्वास्थ्य कर्मी उसकी सुधि लेने पहुंचे। इस बीच बच्चा सामान्य प्रसव के दौरान महिला के बेजाइना के बीच में आकर फंस गया। बाद हंगामा करने वाले आजसू के नेताओं ने आरोप लगाया कि इससे पहले भी सीएससी में लापरवाही की घटना सामने आई। इस बीच सीएससी प्रभारी अमरेंद्र प्रसाद से पूछे जाने पर बताया कि बच्चा प्री मेच्योर था, इस वजह से उसे बचाया नहीं जा सका। सोना न्यूज अनगड़ा से बाबलू मुश्ताक की रिपोर्ट। प्रभारी को क्या कहना चाहिए? प्रभारी चूंकि ये जो सीएससी के प्रभारी हैं, ये दारमदार पूरे जिम्मेवार के रूप में हैं और वे अपने जिम्मेवारी को बखूबी नहीं निभाते हैं, इसलिए वैसे प्रभारी इस सीएससी में रहने की कोई उचित नहीं बनता है। अगर इस तरह का रवैया रहेगा, अगर सरकार इस पर अगर प्रकार नहीं करती है तो हम आम जनता इसके विरोध में इस सीएससी का मुख्य दरवाजे पर हम धरना आंदोलन का काज करेंगे और ऐसे लोगों को यहाँ से खदेड़ कर भगाने का काम करेंगे। धन्यवाद। पूरे सीएससी का हेड होता है और इसमें दायित्व बनता है कि उनके अंदर जितने भी डॉक्टर नर्स हैं उनके भी साथ सरू काम करें, लेकिन ये घर लापरवाही कार्य के कारण इस जो प्रसव करने आई थी बॉम्बे बेला से जो महिला और उनका नवजात बच्चा का अकाल मृत्यु हो गया है, उसके लिए सीएससी प्रभारी जिम्मेवार होते हैं, डॉक्टर जिम्मेवार होते हैं, संबंधित नर्स जिम्मेवार होते हैं और उस पर कानूनन कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कोई प्रकार से नहीं उस पर न्याय व्यवाय नियम परिजन उस पर FIR करेंगे और पर कानूनी कार्रवाई लोग करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि ये सीएससी सेंटर जो है ये लूट का अड्डा बना हुआ है, यह हमेशा मरीजों इलाज के नाम पे मरीजों का जान लिया जाता है। ये आज नहीं, ये पहले का भी इतिहास रहा है कि यहाँ आए मरीजों के साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है, ढंग से बात नहीं किया जाता है, उनके साथ सहयोग और तमक रवैया नहीं अपनाया जाता है, जिसके कारण यहाँ लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये भी सुनने में आया कि लोग मरीजों के साथ भी मारपीट करते हैं, लोगों को धमकाते हैं, डराते हैं, क्योंकि ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र का एकमात्र सीएससी सेंटर है जहाँ पर गरीब अपने सर इतना बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं कि जो मरीज होते हैं उनको मारा पीटा भी जाता है, धमकाया भी जाता है, तो आप सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ऐसे चिकित्सक को तत्काल निलंबित करते हुए उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही ये हमारे क्षेत्र के सीएससी के प्रभारी ये सीएससी को चलाने के लिए सक्षम नहीं है, इसको तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए।